नमस्कार दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये एक आत्मसम्मान की दास्ता है IAS अधिकारी बनी लड़की की। गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान अड्डा थी चौधरी जी एवं खान चाचा की राजनीतिक एवं धार्मिक चर्चाओं की। यहाँ दोनों दिन भर के काम से थके हारे अपना अनुभव साझा करते थे और थोड़ी हंसी मजाक के बाद घर लौट जाते थे। चौधरी जी जहाँ लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर थे, वहीं खान चाचा इंटर कॉलेज में प्राध्यापक। दोनों रोज की तरह ही चर्चा में लगे हुए थे, तभी अचानक खान चाचा ने चौधरी जी का ध्यान खींचते हुए कहा, चौधरी जी ये तो अपना सुमित है ना। चौधरी जी ने नजर दौड़ाई तो उनका बेटा सुमित किसी लड़की के साथ बाइक पर तेजी से चला जा रहा था और वह लड़की भी इतनी अभद्र अवस्था में बैठी हुई थी कि चौधरी जी को भी शर्म आ गई। लेकिन अगले ही पल अपनी जेब को मिटाते हुए चौधरी जी ने कटाक्ष किया कि चाचा चौधरियों का खून है, गर्म तो होगा ही और ये उम्र भी ऐसी होती ही है। इस बात पर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। पर कुछ देर बाद सामने से ही चौधरी जी की बेटी किसी लड़के के साथ बाइक पर घर की तरफ जा रही थी। हालांकि यह बहुत ही सभ्य अवस्था में बैठी थी, पर थी तो लड़की ना। चाचा ने व्यंग भरी निगाहों से चौधरी जी की तरफ देखा और चौधरी जी इस बार चुप रहे। जल्दी दोनों ने चाय खत्म की और चौधरी जी घर की ओर तेजी से चल पड़े। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा था। चौधरी जी के दो बच्चे थे, बड़ी बेटी श्रेया और छोटा बेटा सुमित। श्रेया पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी और सुमित ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था। इंजीनियर का बेटा एवं छोटा होने के कारण सुमित लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। हालांकि श्रेया भी फैशन एवं शौक बहुत रखती थी, किंतु वह सुमित की तरह अयास नहीं थी। आज उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर था। जी हाँ, श्रेया का पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर था और कॉलेज से में ही सीढ़ियों से उतरते समय वो लड़खड़ा कर गिर गई, जिससे उसके पैर में हल्की सी मोच आ गई। राहुल जो श्रेया का जूनियर था और उसको दीदी बोलता था और बहन की तरह मानता था, आज उसी के साथ श्रेया घर आ रही थी। तभी चाचा और चौधरी जी की नजर उस पर पड़ी और हंगामा खड़ा हो गया। चौधरी जी को सच का पता नहीं था। इधर जैसे ही चौधरी जी गुस्से में घर पहुंचे, श्रेया और सुमित ने अपनी फरमाइश से रख दी। सुमित बोला, पापा मुझे IAS की तैयारी करने दिल्ली जाना है। और श्रेया ने कहा, पापा मैं MPhil करना चाहती हूँ। लेकिन श्रेया चौधरी जी के गुस्से से बिल्कुल अनजान थी। उसके इतना कहने पर चौधरी जी उस पर बरस पड़े। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कहे जा रहे हैं। माँ ने जब पूछा कि आखिर उसकी गलती क्या है, तो बोले कि सड़कों पर लड़कों के साथ घूमती है, मेरी इज्जत तार तार कर दी, इसको आगे पढ़ाने से अच्छा है इसके हाथ पीले कर दो। और श्रेया को बहुत बड़ा धक्का लगा। जिन पर वो इतना ज्यादा यकीन भरोसा करती थी, उनको जरा भी यकीन नहीं है अपनी बेटी पर। श्रेया के आंसू भराए और भरे हुए गले से बोली, पापा जरा से तो यकीन कर लिया होता, एक बार सच जानने की कोशिश तो की होती। और इतना कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने पापा की बातों को याद करके बार बार रोती रही और रोते रोते जाने कब से नींद आ गई। रात में माँ खाने के लिए जगाने भी आई, पर उसने खाने से मना कर दिया। माँ ने जब सच्चाई बताई तो चौधरी जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। अगली सुबह श्रेया देर से उठी और उस दिन भी उसने ना तो खाना खाया और ना ही किसी से बात की। सबने बहुत मनाया और माफी मांगी, पर पता नहीं इस बार जख्म कुछ गहरे थे। वो बार बार पापा की बातों को याद करके रो रही थी। मम्मी पापा ने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जीभ में लगे जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जीभ से लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लगता है। कुछ यूं ही श्रेया के साथ भी हुआ। अगले दिन MPhil के आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन श्रेया ने आवेदन नहीं किया। उसे इस बात का दर्द था कि किसी ने उससे एक बार भी नहीं कहा कि बेटी तू पढ़। अब श्रेया खाना तो खाने लगी थी, पर उसका स्वभाव बदल गया था। अगली सुबह सुमित दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया।
और उसे आशीर्वाद देते समय पापा इतने खुश थे जैसे वो आईएएस बनने नहीं आईएएस बनकर आ रहा हो। बस श्रेया ने भी फैसला कर लिया कि अगर आईएएस इतनी अच्छी चीज है तो उसका जो उसके खोए हुए आत्मसम्मान को वापस दिला सकती है तो वह आईएएस बनकर दिखाएगी। पर कैसे, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, पर भरोसा था अपनी जिद पर। उसने इंटरनेट में खोजना शुरू किया, थोड़ा मिला और रुचि जागी। इससे थोड़ा थोड़ा करके उसने आईएएस के बारे में सब कुछ पता कर लिया, जाने कितनी वेबसाइट और पेज सर्च किए, और 3 दिन में उसने उसको सब कुछ मालूम चल गया कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है, कैसे पेपर आते हैं, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फॉर्म कब निकलते हैं आदि आदि। अभी अप्रैल चल रहा था और उसे पता था कि पेपर मार्च में होगा, यानी उसके पास लगभग 10 महीने का समय था। वेबसाइट के माध्यम से उसने बुक लिस्ट तैयार की कि आखिर उसे कितनी बुक्स की जरूरत पड़ेगी, पर सवाल था कि बुक्स लेकर कौन आए, क्योंकि वह बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसके लिए उसने न्यूज़पेपर लाने वाले लड़के चंदू को चुना, क्योंकि ज्यादातर पेपर के लिए श्रेया ही गेट खोलती थी। उसने चंदू को लिस्ट थमा दी और बोली कि ये बुक्स तू लेकर आ, तुझे मैं 100 रुपए दूंगी, हाँ लेकिन ये किसी को पता ना चलने पाए, एक एक करके लाना। चंदू खुश हो गया। उस दिन श्रेया ने अपना सारा दिनचर्या व्यवस्थित कर लिया, किस समय क्या क्या करना है सब कुछ फिक्स हो गया। अगली सुबह एक नई सुबह थी। हर दिन 7 या 8 बजे उठने वाली श्रेया आज सुबह 4 बजे ही उठ गई। सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके लॉन में पढ़ाई के लिए बैठ गई। पापा ऑफिस चले गए थे और माँ काम में लगी हुई थी। घर वालों को उसके बदले हुए स्वभाव का एहसास हो गया था। शाम में पापा के वापस आने पर माँ ने उनसे जिक्र किया कि अपनी बेटी अब सुधर गई है। पहले गर्मियों में दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाया करती थी, सारी गर्मियों में जाने कितनी फिल्में खत्म हो जाती थीं, पर इस बार इतना कहकर उनका गला भर आया। श्रेया के लिए अब शादी पार्टी पिकनिक आदि के मायने खत्म हो गए थे। उसकी दुनिया उसके कमरे में तक सीमित रह गई थी और उसकी दोस्त उसकी किताबें बन गई थी। जब कभी बोर होती तो कमरे की खिड़की से खड़े होकर बाहर का नजारा देखती और पुरानी बातों को याद करके फिर थोड़ा सा रो लेती। उसकी अपनी फ्रेंड्स भी तैयारी करने या आगे पढ़ने बाहर चली गई थी और वहां उनके नए दोस्त मिल गए, जिसके बाद उन्होंने श्रेया से बात करना बहुत कम कर दिया। इसका कारण यह भी था कि उनको लगता था कि श्रेया अब घर में कुछ नहीं कर पाएगी। मम्मी ने भी उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, उसके माँ का खाना बनाना उसे बार बार समझाया। कई बार तो टीवी प्रोग्राम श्रेया को बहुत पसंद हुआ करते थे, वो मम्मी उन्हें लगाकर वॉल्यूम बढ़ा देती थी ताकि कोई वजह हो जिससे वह किसी तरह नीचे आ जाए। पर श्रेया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। समय बीतता गया और श्रेया भी दिन रात मेहनत करती रही। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन उस श्रेया को इंतजार था, यानी कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का दिन। श्रेया ने माँ से कहा, आज एक फ्रेंड की पार्टी है, मुझे जाना है। मम्मी ने उसे नहीं रोका क्योंकि 10 महीने बाद पहली बार वह घर से बाहर निकल रही थी। उसने प्रारंभिक परीक्षा दी, जी हाँ उसने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी और घर आकर फिर दोगुनी तेजी से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गई। कुछ दिनों बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। सुमित ने फोन करके घर बताया कि उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। जी हाँ, सुमित ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। मम्मी पापा के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, पर श्रेया भी पास थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था कि वह आईएएस की तैयारी भी कर रही है। कुछ दिनों बाद मुख्य परीक्षा भी आ गई और श्रेया ने कुछ बहाने बनाकर मुख्य परीक्षा दी और फिर से तैयारी में जुट गई। मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और इस बार भी श्रेया पास हुई, पर सुमित पास नहीं हुआ था। उसे अपनी खुशी से ज्यादा अपने भाई का दुख था। श्रेया ने इंटरव्यू की तैयारी की और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया। अब वह अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगी और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसका अंतिम परिणाम आना था। श्रेया ने जल्द ही सारे काम खत्म किए और लैपटॉप खोलकर बैठ गई, पर रिजल्ट में अभी कमिंग सून ही शो कर रहा था। वह निराश हो गई और एक उपन्यास पढ़ने लगी। पढ़ने में वो इतना तल्लीन हो गई कि समय का पता ही नहीं चला और तभी
श्रेया के दीदी का फोन आया और उसने बताया कि श्रेया तूने अपना रिजल्ट देखा, मैं तो सेलेक्ट हो गई। श्रेया बोली, दीदी मैं देखकर बताती हूँ। श्रेया को बहुत डर लग रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी। उसने वेबसाइट खोली और लिस्ट चेक करने लगी। उसने ऊपर से 50 नंबर तक देखा पर उसका नाम कहीं नहीं था। वो बहुत डर गई। अब वह नीचे से देखने लगी। नीचे से आते समय 73वें नंबर पर उसने अपना रोल नंबर देखा। एक बार फिर मिलाया, फिर कई बार मिलाया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत फेसबुक प्रोफाइल खोली और 10 माह बाद अपडेट किया कि फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन IAS विद 73 रैंक। और उस पर उसकी फ्रेंड्स का मैसेज आया, गुड जॉब। दूसरे का अच्छा आया मैसेज कि मजाक है, अच्छा मजाक कर लेती है। और एक का आया कि मुझे यकीन था कि तू एक दिन IAS जरूर बनेगी। श्रेया के सामने उसके सपनों की दुनिया पंख फैलाए खड़ी थी। सुमित ने पोस्ट पढ़ी और तुरंत पापा को घर फोन किया। चौधरी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दौड़कर ऊपर श्रेया के कमरे में पहुंचे। श्रेया की आंखें, उन जख्मों का दर्द साफ झलक रहा था श्रेया की आंखों में, जो चौधरी जी ने उन्हें बहुत पहले दिए थे। चौधरी जी ने उसे गले में लगा लिया और दोनों फफक फफक कर रो पड़े। दोनों की आंखें बरस रही थी, पर फर्क इतना था कि एक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे तो दूसरी की आंखों में आत्मसम्मान के। दोस्तों, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार दोस्तों।